अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की युवा अधिवक्ताओं की राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ पालमपुर के साई गार्डन रिजॉर्ट में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। उनके साथ सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुरेंद्र सिंह ठाकुर उपस्थित रहे। इस अवसर पर पूरे भारत से सभी प्रांतों से लगभग 174 युवा अधिवक्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में अध्यक्षता अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनायक दीक्षित और इस अवसर पर महामंत्री भरत कुमार उपस्थित रहे। हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता परिषद के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर प्रकाश वर्मा और महामंत्री राजेश कुमार भी इस मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर ने संविधान के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। ठाकुर ने चिंता जताते हुए कहा कि संविधान के नाम पर जाति युद्ध हो रहा है, ऐसे संघर्ष की संविधान ने अपेक्षा नहीं की थी। उन्होंने कहा कि वेद विरुद्ध व्यवस्थाएं स्वीकार्य नहीं है। भारत में प्राचीन समय से ही नारी को विशेष सुरक्षा के साथ विशेष दर्जा प्रदान किया जाता है। उन्होंने कहा कि सुधार के नाम पे जो कुछ किया जा रहा है उस पर चर्चा ही नहीं अपितु आचरण में भी नजर आना चाहिए। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर ने कहा कि भारतीय संविधान सर्वोपरि है और भारत के सभी लोग उसे प्रेरणा लेते हैं। भारत के दर्शन में राजाओं के ऊपर न्याय हमेशा रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान में भी डॉक्टर राधा कृष्ण का उद्बोधन और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का उद्बोधन शुद्ध रूप से भारत संविधान में भारतीय न्याय व्यवस्था से प्रेरित दिखता है। उन्होंने कहा कि आज के इस सम्मेलन में पूरे भारत से 25 से 40 वर्ष के युवा अधिवक्ता शामिल हो रहे हैं और न्यायमूर्ति विवेक सिंह ने सभी से आग्रह किया कि मानवाधिकार भारतीय मूल्यों और न्याय व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए आपको अपने क्षेत्र में प्रभावी ढंग से भूमिका निभानी चाहिए। ये भूमिका जब आप सही ढंग से निभाएंगे तो हर प्रकार का भेद मिट जाएगा, चाहे वो वर्ग का हो, जाति का हो या रंग का हो। लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन हम लोग का जो भारत के लोग फॉर द लास्ट 200 इन द लास्ट 200 ईयर्स कैन अडॉप्ट इंग्लिश एंड कैन स्पीक इंग्लिश बेटर देन द ब्रिटिशर्स व्हाई दे कांट अडॉप्ट देयर द लैंग्वेज ऑफ देयर ओन नेशन व्हिच हैज रूट इन एवरी लैंग्वेज ऑफ एवरी नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। लेकिन उसके लिए संकल्प की आवश्यकता है, समझ की आवश्यकता है, रूढ़ियों पर चलने की। मैं फिर से कहूंगा क्योंकि एक बात जो मेरे मन को बहुत चुभती है, आज संविधान के नाम पर जाति युद्ध हो रहे हैं। एक कहता है कि पहले ये सुविधा इनको समाप्त करो तब ये बराबर होंगे। दूसरा कहता है तुमने हम पर अत्याचार किए इसलिए तुम अत्याचारी। ये जो वर्ग संघर्ष है ये संविधान ने अपेक्षा नहीं की थी और भारतीय समाज में वर्ग संघर्ष से कोई लाभ होने वाला भी नहीं है। क्यों नहीं होने वाला? जिन जिन देशों में वर्ग संघर्ष हुआ, आप रशियन क्रांति की बात करें, चाइना की क्रांति की बात करें, वो समाप्त नहीं हुई क्लासेस। क्या हुआ? एक आज डाउन प्रोडक्ट है कल दूसरा डाउन प्रोडक्ट है। Yesterday one was burning, one was burning, today another is burning, but yesterday who was in burning position, he is now subject, whether it is China or Russia. ये हल नहीं है। For that, जस्टिस कृष्णा अय्यर का भी मैं उदाहरण करूंगा। जस्टिस कृष्णा अय्यर आफ्टर हिज रिटायरमेंट दो इज नोन एज ए कम्युनिस्ट का चित्र भी है, तो वहां पर तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि अब ये नॉन सेकुलर हो जाएगा अगर राम का चित्र, कृष्ण का चित्र, उस बुद्ध का चित्र संविधान में आएगा। उसके लिए अधिवक्ता परिषद के नाते जैसे कुछ साल पहले हुआ भी था, संविधान की मूल प्रतियों का वितरण करना, संविधान में जो चित्र हैं जो भारतीय संस्कृति को प्रतिबिंबित करते हैं उनके साथ संविधान को आप प्रसारित करेंगे तो समाज में एक बहुत बड़ा भ्रम ये भी टूटेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन भारत का धर्म विरुद्ध है, भारतीय संस्कृति से हटकर कुछ और है।
जैसे मैंने कहा फंडामेंटल राइट्स की बात आई, भारत का समाज कर्तव्य आधारित समाज था, लेकिन कर्तव्य आधारित समाज होते हुए भी आर्टिकल 14 के बारे में मैंने आपको जैसे बताया, नो वन वाज अबव द लॉ, एवरीवन वाज इक्वल, हैविंग द इक्वल स्टेटस बिफोर द लॉ, और उसके लिए सजा का भी प्रावधान रहता था। एक उदाहरण वर्तमान के, दो उदाहरण दूंगा, अहिल्याबाई होलकर, इस उदाहरण में दो बातें हैं। आज संविधान कहता है कि नारी को विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए, भारत में विशेष दर्जा नहीं, विशेष प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए, लेकिन भारत में प्रोटेक्शन ही नहीं, विशेष दर्जा भी था, और विशेष दर्जे के साथ उसको वो सब अधिकार भी प्राप्त थे जो एक पुरुष को प्राप्त होते थे।